रेलवे 6 जुलाई को एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू करेगा और इस वीडियो अपडेट के माध्यम से हम बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि 6 जुलाई के बाद यह ट्रेन 13 ट्रिप अप में और 13 ट्रिप डाउन में चलाई जाएगी। इस सुपरफास्ट ट्रेन का पूरा जानकारी इस वीडियो अपडेट के माध्यम से हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल रेल प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त पैसेंजरों को सुविधा देने के लिए ट्रेन नंबर 04717 जो कि हिसार रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए और ट्रेन नंबर 04718 के साथ तिरुपति से हिसार के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन कुल 13 ट्रिप चलाई जाएगी, जो भोपाल मंडल के भोपाल इटारसी रेलवे स्टेशन होकर चलेगी। ट्रेन नंबर 04717 के साथ हिसार से तिरुपति के बीच यह ट्रेन 6 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि प्रत्येक शनिवार को हिसार रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:10 पर चलकर अगले दिन 8:30 पर भोपाल पहुंचेगी और यहां से खुलने के बाद इटारसी के रास्ते यह ट्रेन तीसरे दिन 9:15 पर तिरुपति रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तिरुपति रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन दूसरे दिशा में ट्रेन नंबर 04718 के साथ चलेगी, जहां पर कि प्रत्येक सोमवार को यह ट्रेन 11:45 पर मध्यरात्रि रवाना होगी और तीसरे दिन 1:35 पर इटारसी पहुंचेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन मध्यरात्रि 10:25 पर हिसार पहुंचेगी। यह ट्रेन वाया सवाई माधोपुर, जयपुर, बालाजी, कोटा, नागदा जंक्शन, उज्जैन, सुजालपुर, भोपाल, इटारसी, नागपुर, सिकर, लोहाड़ू, विजयवाड़ा, नेल्लौर के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन में कुल मिलाकर 20 कोच लगाए गए हैं, जिसमें कि 4 सामान्य श्रेणी के कोच दिए गए हैं। इसके साथ ही स्लीपर के 6 कोच और एसी सेकंड टायर के 2 कोच सहित एसी थर्ड टायर के 3 कोच लगाए गए हैं। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।